जो भी हुआ सब इसी के कर्मों का फल है। बाबूजी, दूसरे की बहन पर ना तो जुल्म करता और ना भगवान तेरी बहन को विधवा बनाता। बाबूजी, जवानी में थोड़ा गुस्सा तो आ ही जाता है। मैं तो पहले ही कह रही थी चुप रहो चुप रहो। उठो उठो, काम ही ऐसा करते हो कि कुत्ता भी मुंह चाट ले। बाबूजी, बाप के साथ बड़ी हमदर्दी जता रही है। दिन में जब खाना पकाने और बर्तन धोने के लिए मैं तुझे ढूंढ रही थी, उस वक्त कहाँ गई थी मटर गश्ती करने? माँ, मैं मुन्ने को दूध पिला रही थी। झूठ बोलती है तू। तू तो शुरू से ही कामचोर है। अब तक घर के कामों में तुम्हारा हाथ कौन बटाती रही? तू बटाती रही। चुप हो जा चौधराइन। अरे ये क्या मेरा हाथ बटाएगी? शादी के बाद ये बोझ बनी रही मुझ पर, यहाँ पड़ी पड़ी खटमल की तरह खून चूसती रहती है और क्या करती है? माँ, तुम ये भूल गई कि मेरे पति ने इस घर के लिए अपनी बलि चढ़ा दी है। अरे उस एहसान के बदले तुम लोगों को उनकी तस्वीर पर रोज माला चढ़ानी चाहिए। माला डालनी चाहिए? एक नंबर का चरसी और बदमाश था वो। माँ, मामा क्या कह रही है? सुअर की अगर बलि चढ़ जाए तो क्या उसकी गिनती हिरण में होने लगेगी? सुअर तो सुअर ही कहलाएगा। माँ, मैंने तुमको चुप रहने को कहा भी था, मेरी कौन सुनता है? काम ही ऐसा करती हो कि कुत्ता भी मुंह चाट ले।